हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि बाण भट्ट की रचनाओं से संबंधित हैं, विशेषकर कादंबरी से। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, सुखनासोपदेश आधारित है। तो सुखनासोपदेश आधारित है, इसके चार विकल्प दिए गए हैं, कादंबरी पर, दस कुमार चरितम पर, हर्ष चरितम पर, शिवराज विजयम पर। तो सही उत्तर है हमारा कादंबरी पर। दूसरा प्रश्न है, कादंबरी के लेखक हैं। तो कादंबरी के लेखक हैं बाण भट्ट। तीसरा प्रश्न है, बाण भट्ट की गद्य रीति है कौन सी? गद्य रीति है, यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो सही उत्तर है पांचाली, यानी कि का उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, बाण भट्ट का समय है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, छठी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, सातवीं शताब्दी और आठवीं शताब्दी। तो इसका गा विकल्प यानी कि बाण भट्ट सातवीं शताब्दी से संबंधित हैं, इनका समय जो है सातवीं शताब्दी है। पांचवा प्रश्न है, बाण भट्ट की रचना है। तो ये इसके भी चार उत्तर हैं, शिवराज विजयम, कादम्बरी, दस कुमार चरितम, रघुवंशम। तो बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी, यानी कि खा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, बाण की माता का नाम है। तो यहाँ पर हम चार उत्तर देख रहे हैं, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, राज्य देवी और उमा देवी। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है राज्य देवी, यानी कि गा विकल्प सही है। सातवां प्रश्न हम देख रहे हैं, बाण के भाई थे। तो इसके भी चार विकल्प हैं, चित्रसेन, मित्रसेन, चित्रसेन हरिसेन, हरिसेन मित्रसेन, रविसेन और चित्रसेन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चित्रसेन और मित्रसेन, यानी कि का विकल्प सही है। आठवां प्रश्न है, हर्ष चरितम के लेखक हैं। तो इसके चार विकल्प यहाँ पर हम देख रहे हैं, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट और शूद्र। तो जो बाणभट्ट हैं उन्हीं की रचना है हर्ष चरितम। तो हर्ष चरितम के लेखक हैं बाणभट्ट, यानी कि गा विकल्प सही है। नवा प्रश्न हम देख रहे हैं, बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो यहाँ चार विकल्प हैं, कादम्बरी, हर्ष चरितम, चंडी शतकम और दस कुमार चरितम। तो जो सही उत्तर है वह है दस कुमार चरितम, क्योंकि बाण भट्ट की तीनों रचनाएं हैं, कादम्बरी, हर्ष चरितम और चंडी शतकम। घा विकल्प इसका सही है, क्योंकि ये बाण भट्ट की कृति नहीं है। दसवां प्रश्न हम देख रहे हैं, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? तो इसके उत्तर विकल्प रूप में है चार, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर और कुंद सरोवर। इसके जो हैं चार उत्तर हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है का अछोत सरोवर का जो है कादम्बरी में वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर का कादम्बरी में वर्णन है, प्रश्न है हमारे सामने, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? तो यहाँ पर जो विकल्प का है वह सही है, अछोत सरोवर का कादम्बरी में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, सुखनास ने लक्ष्मी को क्या बताया? तो यहाँ जो उत्तर विकल्प रूप में है वे इस प्रकार से हैं, का विकल्प है कमला, खा विकल्प है चंचला, अनार्या और इनमें से कोई नहीं। तो सुखनास ने लक्ष्मी को अनार्या बताया है। बारहवां प्रश्न है हमारे सामने, सुखनासोपदेश में वर्णन मिलता है सुखनास की युवावस्था का, सुखनास की शिक्षा का, लक्ष्मी की विशेषताओं का, चंद्रभेड़ के विवाह का। तो ये चार उत्तर में जो का विकल्प है वैसा ही है, लक्ष्मी की विशेषताओं का सुखनासोपदेश में वर्णन मिलता है। कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? तो इसका विकल्प है चंद्रापीठ की, अनंत वर्मा की, राम की और कृष्ण की। जो सही उत्तर है का विकल्प सही है, चंद्रापीठ की कथा का वर्णन है। कादम्बरी का पात्र है पत्रलेखा, मदनिका, रदनिका और राम। जो इसका सही उत्तर है वह का है पत्रलेखा, जो है कादम्बरी की पात्र है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में किसके तीन जन्मों का वर्णन है?
कुंडली, चंद्रापीठ, लक्ष्मी और कपिंजल, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें चंद्रापीठ सही उत्तर है। चंद्रापीठ के तीन जन्मों का इसमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, कादंबरी का प्रमुख पात्र है। तो कादंबरी का प्रमुख पात्र, पहले हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। चंद्रापीठ, कादंबरी, वैशंपायन और सुपनाश। जो सही उत्तर है वह है चंद्रापीठ। कादंबरी का प्रमुख पात्र चंद्रापीठ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कादंबरी में वर्णन नहीं है अक्षोभ सरोवर का, पंपा सरोवर का, शर्मिली वृक्ष का और मालिकाश्रम का। तो इसमें सही उत्तर है घा, यानी कि मारीच आश्रम का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का मत होता है दुख को दूर करने वाला, सुखी बनाने वाला, संपत्ति देने वाला, अंतिम अवस्था में शांत ना होने वाला। तो इसका सही उत्तर है वह है घा। अंतिम अवस्था में भी लक्ष्मी का मध शांत नहीं होता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है, हितकर अहितकर दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला और मत वाला। तो इसके ये चार उत्तर हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला का विकल्प सही है। घन किस या धन, धन गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, धन किसी मत वाला बना देता है, तपस्वी को, दानी को, अज्ञानी को और पशुओं को। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो धन अज्ञानी को मत वाला बना देता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर जाते हैं? तो इसके विकल्प हैं स्वच्छ मन में, अशांत मन में, तपस्वी मन में, शिक्षित मन में। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वह है स्वच्छ मन में, उपदेश सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, युवावस्था के आदम में निर्मल बुद्धि भी कैसी हो जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कलुषित। कलुषित हो जाती है युवावस्था के आदम में निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है? संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, ये किसने कहा है? सुखनाथ ने, तारापीठ ने, चंद्रापीठ ने और द्वारपाल ने। तो इसको बता दें कि सुखनाथ ने ये चंद्रापीठ से कहा है जब राज्यभिषेक उनका होने वाला है उस समय पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, ये कथन किसने कहा है? चंद्रापीठ ने तारापीठ से, सुखनाथ ने तारापीठ से, चंद्रापीठ ने सुखनाथ से, सुखनाथ ने तारापीठ से। तो इसका जो सही उत्तर है गा, चंद्रा सुखनाथ ने चंद्रपीठ से। इसका उत्तर जो है खा सही है, सुखनाथ ने चंद्रपीठ से कहा है और उपदेश देते इस समय। 25वां प्रश्न हम देख रहे हैं, काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है, राजा का उपदेश, गुरु का उपदेश, माता का उपदेश या बड़ों का उपदेश। ये चार उत्तर हैं हमारे पास। तो इसमें सही विकल्प है वह है गुरु का उपदेश। अगला प्रश्न है, विषय भोग की मृग तृष्णा होती है, सुखों को हरने वाली, ज्ञान देने वाली, इंद्रियों का हरण करने वाली, दुखों को हरने वाली। तो जो इसका सही उत्तर है विषय भोग की तृष्णा होती है, कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर है वह इंद्रियों का हरण करने वाली। सुखनाथ से उपदेश में उपदेश दिया गया है चंद्रापीठ को, तारापीठ को, कादंबरी को, सुखनाथ को। तो इसका सही उत्तर है सुखनाथ से उपदेश में चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है? पुस्तकीय ज्ञान को, धर्मशास्त्रीय ज्ञान को, लौकिक ज्ञान को या गुरु के उपदेश को? जो इसका सही उत्तर है घा, गुरु का उपदेश जो है समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। अगला प्रश्न हमारे सामने, गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं, जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, जो धनवान हो गया है या जो बुद्धिहीन है? तो इसका उत्तर का सही है अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं। राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है चेतन, अचेतन, ज्ञानी या तपस्वी? तो इस यानी कि राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह खा, अचेतन हो जाता है।
लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सागर से, ब्रह्मा के मुख से, विष्णु की नाभि से या चंद्रमा की कांति से? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, इसका जो उत्तर है वह सही है, था ब्रह्मा के मुख से। चंद्रपीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा कैसे हुई? चंद्रपीठ के राज्याभिषेक करने की इच्छा कालापीठ को हुई, इसका जो है था उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? शुकनास ने, तादापीठ ने, द्वारपालों ने या सैनिकों ने? यानी जब चंद्रपीठ का अभिषेक होने वाला था उस समय सामग्री किसने इकट्ठी की? तो इसका जो सही उत्तर है वह का द्वारपालों ने सामग्री इकट्ठी की। स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृग्या के संबंध में कहते हैं दोष, श्रम, मनोविनोद या फिर सद्गुण? तो जो इसका सही उत्तर है वह है श्रम। स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृग्या के संबंध में कहते हैं श्रम। राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? धन की, सेना की, उपदेश की या विश्राम की? तो इसका सही उत्तर है गा, राज्याभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, लक्ष्मी करती है त्याग का स्वागत, त्याग का नादर, त्याग का उपदेश, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है त्याग का अनादर। लक्ष्मी त्याग का अनादर करती है। गंधर्व नगर की देवता को माना गया है शुभ सूचक, कल्याणकारक, हानिकारक, अमंगल सूचक? तो जो इसका सही उत्तर है वह है गंधर्व नगर की देवता को माना गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमंगल सूचक, यानी कि मंगलकारी नहीं मानी गई है। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, ये किसका कथन है? यानी कि प्राप्त होने पर भी दुख से पालन की जाती है, तो ये सुखनास का कथन है। सुखनास ने चंद्रपीठ को उपदेश देते समय कहा है त्रिगुणात्मे नमः। तो ये श्लोक की लाइन हम देख रहे हैं, सुक्ति एक तरह से त्रिमाय त्रिगुणात्मे त्रिगुणात्मने नमः। इस सुक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ जो है नमः के योगी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कादंबरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया है? जलधिदेव, जलधिदेव लक्ष्मी प्रसूति चक्रवर्ती लक्षणों पे तहतमने नमः विचित मन मथा। तो इनमें से जो इसका सही उत्तर है वह है गा, त्रियाय त्रिगुणात्मने नमः, ये जो है स्तुति उत्तर की गई है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कटु क्वेणंतु मलदायिका खला, स्तुति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है नुपुरों से, अग्नि से, स्वर्ण से, लोहे की जंजीर से? तो इसका जो सही उत्तर है वह है घा, यानी कि लोहे की जंजीर से दुष्टों की तुलना की गई है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, शूद्र के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है खा, गंगा प्रवाह भगीरथ पथ प्रवर्तः। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अहो विधात स्थानीय सोमग्रह निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता शूद्रक है, ये सूक्ति शूद्रक ने कही है। अहो विधात स्थानीय सोमग्रह निष्पादन प्रयत्न प्रायण ही पक्षिणा पशुवश्च भयाहर, सूक्ति किसने कही है? इसके चार विकल्प हैं, वैशंपायन, चांडाल कन्या, चंद्रापीठ, शूद्रक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शूद्रक। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, नहीं करतल स्पर्शा क्लेशिताना, ये सूक्ति किसके लिए कही गई है? शूद्रक के लिए, चांडाल कन्या के लिए, चंद्रापीठ के लिए, वैशंपायन के लिए? तो इसका सही उत्तर है खा विकल्प, यानी कि चांडाल कन्या के लिए सूक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है, किम बा प्रलपितेन बहुना, सूक्ति का वक्ता कौन है? शुद्र, शुक्र, चंद्रपीठ, चांडाल कन्या? जो सही उत्तर है इसका वह है खा, शुक्र, यानी कि तोता इस सूक्ति का वक्ता है। अगला प्रश्न है, करणी भी देव वन करी परिवृत्ता, सूक्ति में
कहाँ का वर्णन है? व्यायामशाला का, पूजा गृह का, स्नानशाला का या विद्यालय का? तो जो इसका सही उत्तर है वह ग है, स्नानशाला का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, आसीद शेष नरपतिशिरः, ये कथन किसके लिए कहा गया है? वैशंपायन के लिए, शूद्र के लिए, चंद्रापीठ के लिए, सुकनाथ के लिए? तो जो इसका सही उत्तर है वह है शूद्र के लिए, ये कथन शूद्र के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? बाण के, लक्ष्मी के, कुबेर के या यमराज के? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गा, कुबेर के मुख में सरस्वती निवास करती है। अगला प्रश्न है, अपनीता वर्णश दिवस कदाई सूक्ति में किसका वर्णन है? इसके जो विकल्प हैं इस प्रकार से हैं, राजा शूद्र की व्यायामशाला का, शूद्र के राजदरबार का, चंद्रापीठ के विवाह का, जावाली आश्रम का। तो इसका जो सही उत्तर है वह का, राजा शूद्र की व्यायामशाला का। तो ये आज कदम से ही प्रश्न लिए गए थे और ये आपके सामने बताए गए। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में प्रथम स्थान पर है। ये केवल बाणभट्ट की नहीं अभी तो समस्त संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम रचना है। अपनी निज कल्पना पर आधारित इस गद्य काव्य में चंद्रापीठ और वैशंपायन का क्रमशः कादम्बरी एवं महाश्वेता से त्रैमाख्यान वर्णित है। कथा के विस्तार का मुख्य कारण 3 जन्मों तक की कथा का वर्णन है। गद्य काव्य के भेद की दृष्टि से ये कथा है, किंतु आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से ये संस्कृत उपन्यास है, संस्कृत का उपन्यास है। कादम्बरी तत्कालीन समाज की झांकी प्रस्तुत करती है। इसमें स्त्रियों द्वारा सम्मान प्राप्ति के लिए जादू टोनों का प्रयोग, नवजात शिशु के उपचार, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा आदि सामाजिक जीवन के सभी अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कतिपय समालोचकों ने कादम्बरी कथा का बीज या प्रेरणा स्वरूप गोणार्डे की बृहद कथा को माना है। कादम्बरी का प्रधान श्रृंगार है वाण ने उदात्त एवं परस्पर प्रेम का चित्रण किया है। 10 कुमार चरित्र की भांति इसमें श्रृंगार रस चित्रण में अश्लीलता नहीं है। कादम्बरी अत्यंत लोकप्रिय कृति है। इसकी प्रशंसा करते हुए किसी ने लिखा है, कादम्बरी रस ज्ञाना महारो अपी न रोचते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।